हो गया हो गया। अब हमारे पूरे फंक्शन में कौन कौन बोले, तीन फंक्शन कौन कौन होते हैं वो एक होता है इनपुट, दूसरा आउटपुट और प्रोसेस। अब क्वेश्चन तो नहीं होता कि इनपुट वाइज कौन से होते हैं, आउटपुट क्लास कौन से होते हैं, प्रोसेस क्या क्या होता है। अब मैं चाय बजे पर शुरू करी तो किसकी जरूरत पड़ी हमें, सबसे पहले पानी की, बर्तन हो गया हमारे ये सीपीयू, फिर क्या दिया मैं उसके बाद, उसके बाद आप बताओ कि इनपुट डिवाइस कौन कौन सी है यहाँ पे। तो पहला इनपुट किससे करते हैं हम, कीबोर्ड, दूसरा कीबोर्ड और सीडी और डीवीडी और दो एलईडी माउस, ठीक है होता है आप माउस तो जो है हार्ड डिस्क होती है स्टोरेज में आती है वो, और क्या होता है कीबोर्ड माउस जॉयस्टिक आता है, जॉयस्टिक पेन ड्राइव और बताओ स्पीकर नहीं होता, और बताओ उसके अलावा थे ना जिनके द्वारा कुछ भी वर्क टच करके जिसके द्वारा तो क्या होता है इनपुट। अब प्रोसेस के लिए क्या लिखी है हमें, जब हम गैस ऑन करते हैं तो क्या लिखी है, गैस ऑन करने के लिए लाइटर और माचिस, तो याद है सी यू एम यू और ए एल यू, मतलब क्या होता है कंट्रोल यूनिट और एल होता है मेमोरी यूनिट और ए होता है ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट। आ गया अब आ जाते हैं आउटपुट की, आउटपुट कहाँ होता है हमारा एलसीडी, कहाँ शो करती है स्क्रीन, उसके बाद साउंड, साउंड कहाँ शो करता है स्पीकर, उसके बाद प्रिंटर, प्रिंटर कहाँ शो करता है पेपर, उसके बाद होता है प्लॉटर, ये हमारी चीजें होती है आउटपुट में। तो समझ में आ गया ये मेन फंक्शन वाली कंप्यूटर के, इसके अलावा फंक्शन नहीं होता, वो के जो इसके अलावा होते हैं क्या होते हैं पार्ट्स। तो क्लियर हो गया आगे बढ़े ठीक है, एसएसडी तो क्या होता है, दोनों काम एक ही होता है।